Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. तो गुरु लोग DC की नई स्लेट जेम्स गन ने अनाउंस कर दी है। जेम्स गन ने DC के फ्यूचर की बात तो की, लेकिन उन्होंने करंट प्रोजेक्ट को हाथ तक नहीं लगाया। जेम्स गन ने कहा कि सबसे पहले सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स, इसके बाद दी फ्लैश एंड आफ्टर दैट ब्लू बीटल और एक्को एंड द लॉस्ट किंगडम। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जब द फ्लैश से सब रिस्टार्ट हो रहा है तो बेचारे ब्लू बीटल के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। ये प्रोजेक्ट अब बनकर रेडी है तो इन्हें आना तो था ही, लेकिन फ्यूचर में इनका क्या रोल होगा, क्या ये DC से कनेक्ट होंगी या नहीं। अपने जेम्स भाई ने DC के फर्स्ट चैप्टर गॉड्स एंड मॉन्स्टर को अनाउंस कर दिया है। इसमें हमें 5 मूवीज और 5 टीवी सीरीज देखने को मिलने वाली हैं। तो भैया लोग अब आराम से फैल जाइए, क्योंकि इनके बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है क्रीचर कमांडो एनिमेटेड टीवी सीरीज। क्रीचर कमांडो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की सुसाइड स्क्वाड है, जहाँ सुसाइड स्क्वाड क्रिमिनल एंड फ्रीक से भरी थी। वहीं क्रीचर कमांडो में क्रिमिनल के साथ साथ मॉन्स्टर भी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका की आर्म फोर्स ने मिलकर प्रोजेक्ट एम शुरू किया और इसकी लेबोरेटरी स्टेचू ऑफ लिबर्टी के नीचे ही बनाई गई। प्रोजेक्ट एम के हेड प्रोफेसर माजोस्की ने सबसे पहले 3 आर्मी ऑफिसर को वेयरवुल्फ, वैम्पायर और फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बनाया। इनमें चौथा मेंबर एक फीमेल थी। इस ग्रुप को लेफ्टिनेंट मैथ्यू श्रीव ने लीड किया, जो कि एक ह्यूमन थे। नाजी सभी को भूत प्रेत की शैडो दिखाकर डरा रहे थे, तो अमेरिका ने सचमुच के भूत भेज दिए। ये कॉमिक्स खून खराबे से भरी हुई हैं। अगर आप लोग ये सब पसंद करते हो तो भाई माल जेम्स गन की तरफ से आ रहा है। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट है अमांडा वॉलर की लाइव एक्शन टीवी सीरीज। ये वही अमांडा वॉलर है जिसे हाल में आपने ब्लैक एडम और सुसाइड स्क्वाड में देखा था। बैटमैन को धमका दे, ये है वो औरत। और इसके बाद होगी नई DC की शुरुआत, जिसमें पहली मूवी होने वाली है सुपरमैन द लेगेसी, जिसकी आधी स्टोरी जेम्स गन ने लिख ली है। और ये मूवी हमें जुलाई 11, 2025 को देखने को मिलेगी। सुपरमैन की लेगेसी कॉमिक बुक स्टोरी जाननी है तो अपने भाई को कमेंट करके बताओ ना, कब बताओगे। इसके बाद ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की सीरीज आएगी, जिसमें जॉन स्टुअर्ट और हेल जॉर्डन दोनों की स्टोरी को फॉलो करते हुए ग्रीन लैंटर्न की कॉर्प्स वाली कहानियां दिखाएंगे, जो आगे चलकर जस्टिस लीग का पार्ट बनेंगी। इसके बाद आएगी द अथॉरिटी लाइव एक्शन मूवी। द अथॉरिटी ऐसे सुपर हीरोज का ग्रुप है जो किसी की परवाह नहीं करते, उनके रास्ते में जो आएगा वो मारा जाएगा। इस टीम के मेंबर में एंजल स्पाइक है, जिसके ब्लड में उसके फादर ने नाइनाइट्स मिला दिए थे, जिसकी वजह से वो पानी की तरह लिक्विड और स्टील की तरह सॉलिड हो जाती है। अपोलो, जिसके पास सोलर पावर है, और इसका पति मिडनाइटर, जो महंगा वाला बैटमैन है, और कई पावरफुल सुपर हीरो इस ग्रुप के मेंबर है। अथॉरिटी के बाद हमें पैराडाइज लॉस्ट लाइव एक्शन सीरीज मिलेगी, जो वंडर वुमन की ओरिजिन और थेमेस्केरा के बारे में होगी। इसके बाद हमें DC का न्यू बैटमैन अपनी पहली मूवी द ब्रेव एंड द बोल्ड में देखेगा, जिसमें हमें डेमियन वेन का रॉबिन भी देखने को मिलेगा। जेम्स गन के साथ साथ डेमियन वेन का रॉबिन मेरा भी फेवरेट रॉबिन है। इसके बाद बूस्टर गोल्ड की टीवी सीरीज एंड सुपर गर्ल, वुमन ऑफ द टुमारो एंड स्वाम्प थिंग की मूवी देखने को मिलेगी। इसके साथ वीडियो यहीं खत्म होता है, दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना जाना। तो भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करते जाओ। ऑन दिस ग्रैंड एडवेंचर, थैंक यू सो मच।